स्कूल चले हम सब पढ़े सब बढ़े, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे स्लोगन जिधर भी नजर घुमाएंगे उधर ही नजर आएंगे। पर ये बच्चे तालीम के लिए घर से निकल भी जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि मुरैना जिले के जौरा शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय को साइकिल का गोदाम बना दिया है और सवाल करने पर जिम्मेदार एक दूसरे को टोपी बना रहे हैं। गौरतलब है कि नया शिक्षण सत्र शुरू हुए एक पखवाड़ा बीतने वाला है, बावजूद इसके क्लासरूम एवं खेल के मैदान साइकिलों से ठसाठस भरे हैं। स्कूल भवन को गोदाम बनाने की अनुमति देने वाले प्रभारी प्रधानाचार्य का जवाब भी अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने उन पर दबाव बनाकर उनसे ये काम करवाया है। स्कूल परिसर पिछले कई दिनों से साइकिल गोदाम बना हुआ है। प्रदेश का ये कोई इकलौता स्कूल नहीं जहाँ विद्यालय को साइकिल असेंबल सेंटर बना दिया गया है, बल्कि सूबे के ज्यादातर स्कूल अपनी बदहाली पर आंसुभा रहे हैं। कई स्कूल पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम हैं, तो कहीं जर्जर भवन मासूमों के सिर पर मौत की तरह मंडरा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बुनियादी सुविधाओं के बिना सिर्फ नारों में ही सवारा जाएगा देश का भविष्य, या इनके लिए सरकार कोई मुकम्मल कदम उठाएगी? एक दो दिन में वितरित कर दी जाएंगे जो कि सर अभी कच्चे उसमें साइकिल बनाई जा रही है, अपने यहाँ तैयार की जा रही है। ये कोई आदेश के तहत हो रहा है क्या? ये विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से है जी, उनके प्रशासन में ही स्कूल को एक साइकिल का कारखाना, एक कारखाना बना दिया स्कूल को। जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि साइकिलें इतनी कस रही है और बाकी बावजूद जो भवन है उसमें साइकिल काफी रखी हुई है। हालांकि SDM ने आदेश नहीं कर दिया है उनको के लिए, उनको ठगा जा रहा है। तो ये समस्या कब तक सुलझ सुलझेगी? वैसे कि साइकिल बस वितरित हो जाएंगे, वैसे साइकिल हट जाएगी।